हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू का जो 2020 का बीपीएड का रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसे सॉल्व करेंगे। एएमयू का जो रिटर्न टेस्ट होता है बीपीएड का, उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। ये वीडियो का पार्ट वन है और इसमें हम स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 20 तक। उसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ूंगा, उसके बाद चारों ऑप्शन बोलूंगा और जिस बीच में चारों ऑप्शन बोल रहा हूँ उस बीच आपको मन में ही गेस कर लेना है कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और पेपर सॉल्व करने से आपको एक जनरल आइडिया तो लग ही जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एएमयू के पेपर में आते हैं। और एक बात मैं और बता दूँ, एएमयू का जो पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर इंग्लिश में ही करना होगा, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको बतानी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं और वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि अरे क्वेश्चन पेपर तो सिर्फ इंग्लिश में ही है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही है, वहाँ पर हिंदी मीडियम नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, विच मुस्लिम रूलर डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो। क्वेश्चन पूछा गया है, पोलो खेलते समय वह कौन सा इंडियन मुस्लिम रूलर था जो कि घोड़े से गिर करके मर गया था, कब पोलो खेलते समय। ऑप्शंस हैं आपके सामने, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर या अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वो मुस्लिम रूलर थे जो कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उनकी मौत हो गई थी। पोलो गेम के बारे में आपको पता ही है तो इसके बारे में मुझे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ डिस्कस थ्रो सर्कल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिस्कस थ्रो का सर्कल होता है उसका डायमीटर कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.50 मीटर। डिस्कस थ्रो का सर्कल का डायमीटर कितना होता है? 2.50 मीटर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक रिंग्स इंडिकेट। क्वेश्चन पूछा गया है, ओलंपिक का जो निशान होता है उसमें 5 रिंग्स होते हैं, ये जो 5 रिंग है ये क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। ऑप्शंस हैं 5 कॉन्टिनेंट्स, 5 रिवर्स, 5 कंट्रीज या 5 माउंटेन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 कॉन्टिनेंट्स। ओलंपिक के जो रिंग्स होते हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा एक माना जाता है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और ओशिएनिया मतलब जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह ये सब कंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओलंपिक के जो 5 रिंग्स हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एंड वेयर वॉज द ओलंपिक फ्लैग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है, ओलंपिक का जो फ्लैग है उसे कब और कहाँ सबसे पहले यूज किया गया। ऑप्शन आपके सामने, 1896 एथेंस ओलंपिक्स, 1996 एटलांटा ओलंपिक्स, 1920 एंट्रेप ओलंपिक्स या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1920 एंट्रेप ओलंपिक्स। एंट्रेप में जो ओलंपिक्स हुए थे 1920 में, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग को यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है, किस सन में किया गया, 1920 में किया गया, कहाँ किया गया, एंट्रेप में किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, पावर हाउस ऑफ सेल इज। सेल का पावर हाउस हम किसे बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल इज। सेल का कंट्रोल सेंटर क्या होता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या क्रोमोजोम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस। सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस होता है उसे ही हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज हेल्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर। क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन है टाइप बी ब्लड ग्रुप, टाइप ओ ब्लड ग्रुप, टाइप ए बी ब्लड ग्रुप या टाइप ए ब्लड ग्रुप। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाइप ओ। जो टाइप ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो किसी भी कैटेगरी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए नर्व सेल इज ऑल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है, नर्व सेल को और किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन से न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट या नर्विटिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूरॉन।
नर्व सेल को हम न्यूरॉन नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ए कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रेक इजिली इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है वो कंडीशन जिसमें हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और इजिली उन्हें ब्रेक किया जा सकता है, मतलब इजिली ब्रेक हो जाती हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वो कौन सी डिजीज है। ऑप्शंस हैं रिकेट्स, एक्ने, ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो डिजीज़ है जिसमें हमारी बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और इजिली ब्रेक हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ब्रेड सीरियल राइस एंड पास्ता ग्रुप इज अ सोर्स ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे कुछ न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए हैं। अब ये जो ब्रेड सीरियल राइस पास्ता ये सब हैं, ये कौन से न्यूट्रिएंट के सोर्सेज हैं। ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, कैल्शियम या विटामिन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं, ब्रेड सीरियल राइस या पास्ता ग्रुप, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं। इनके अलावा और भी सोर्सेज हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनके बारे में ही पूछा गया है तो इनके बारे में ही हम बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पल्सेज आर अ गुड सोर्स ऑफ। पल्सेज किस चीज़ के अच्छी सोर्स हैं, मतलब दालें, पल्सेज मतलब दालें। ऑप्शन हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या विटामिंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। पल्सेज जो हैं वो प्रोटीन की गुड सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है अभी हाल ही में 2020 के जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं उनमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कौन से क्रिकेटर ने जीता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब चेंज कर दिया गया है 2021 में और वो हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो आगे से हम इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था 2020 में इसे किसने जीता, कौन से क्रिकेटर ने जीता। तो ऑप्शन आपके सामने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 2020 का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड हो गया है वो जीता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। द कोच ऑफ द आर्चरी हु हैज वन द लाइफ टाइम द्रोणाचार्य कैटेगरी अवार्ड इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 इज। क्वेश्चन में पूछा गया है आर्चरी गेम के कोच हैं जिन्होंने अभी हाल ही में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता है जो कि 2020 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड थे उसमें, कौन है वो, कौन से कोच हैं। ऑप्शन हैं श्री पुरुषोत्तम राय, श्री कृष्ण कुमार हुडा, श्री धर्मेंद्र तिवारी या श्री विजय बालाचंद्र मुनीश्वर। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, श्री धर्मेंद्र तिवारी। श्री धर्मेंद्र तिवारी आर्चरी के वो कोच हैं जिन्होंने सन 2020 में लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड जीता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। विच यूनिवर्सिटी हैज बैग्ड मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है सन 2020 का जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है जिसे हम माका ट्रॉफी नाम से भी जानते हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता। ऑप्शन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि कोटरूप मणिपुर में है या यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। पीयू चंडीगढ़ जो है उसने 2020 की जो माका ट्रॉफी है उसे जीता, माका मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है और आगे भी दो तीन क्वेश्चन आपको इस टाइप के देखने को मिलेंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो सिलेबस डाला था उसमें आपने देखा होगा इंग्लिश ग्रामर से भी 3-4 क्वेश्चन एएमयू में पूछे जाते हैं, तो चाहे ये पेपर हो, चाहे इससे पिछले साल का हो, चाहे उससे पिछले साल का हो, हर साल के पेपर में आपको इंग्लिश ग्रामर से कुछ 3-4-5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे हम। ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। यहाँ पर एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसे हमें फिल करना है। इन ऑप्शंस में से वो कौन सा ब्लैंक फिल किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। तो पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ, वह पिछले साल से रोजाना एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, देख कर ही आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। Which tense is used to express general truths and facts? वो कौन सा tense है जो कि general truths और facts को express करने के लिए use किया जाता है? Options हैं present continuous tense, present perfect tense, past perfect tense या present indefinite tense।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ये चीज़ें आपको खुद ही करनी होंगी और मोस्टली स्टूडेंट्स को आती होंगी ये चीज़ें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द नंबर ऑफ एम्पायर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ हॉकी मैच इज, क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी मैच को कंडक्ट कराने के लिए कितने एम्पायर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन से 1, 3, 4 या 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2। दो एम्पायर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक हॉकी मैच को कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन 110 मीटर हर्डल्स द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स परफॉर्म बिटवीन टू हर्डल्स इज, क्वेश्चन पूछा गया है जो 110 मीटर हर्डल रेस होती है उसमें दो हर्डल्स के बीच इतनी स्ट्राइड्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। ऑप्शन है 5, 8, 3 या 4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। तीन स्ट्राइड्स होती हैं दो हर्डल के बीच हमें जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। द लेंथ ऑफ एक्सचेंज जोन इन 4x100 मीटर रिले इज, क्वेश्चन में पूछा गया है जो 4x100 मीटर रिले रन होती है उसमें एक्सचेंज जोन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है। 4x100 मीटर रिले रेस कैसी होती है उसके बारे में आपको पता होगा मोस्टली स्टूडेंट्स को, जिन्हें नहीं पता मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ आपको। इसमें प्लेयर्स के हाथ में एक बैटन होती है, उस बैटन को उन्हें एक्सचेंज करना होता है अपनी टीम के प्लेयर के साथ, और वो कहाँ एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज जोन होता है। तो उसी एक्सचेंज जोन की बात की जा रही है कि ये एक्सचेंज जोन की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 10 मीटर्स, 15 मीटर्स, 20 मीटर्स या 30 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 मीटर्स। 20 मीटर की लेंथ होती है 4x100 मीटर रिले रेस के एक्सचेंज जोन की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डाइमेंशंस ऑफ द वॉलीबॉल कोर्ट आर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वॉलीबॉल का कोर्ट होता है उसकी डाइमेंशंस क्या होती हैं, मतलब लेंथ और विड्थ कितनी कितनी होती है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, विड्थ 9 मीटर और लेंथ 18 मीटर। 9 मीटर चौड़ाई होती है और लंबाई 18 मीटर होती है। तो बहुत आसान है वॉलीबॉल कोर्ट के डायमेंशन को याद करना, 9 मीटर विड्थ और उसकी जस्ट डबल 18 मीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। अभी 20 क्वेश्चंस और बचे हैं जो कि हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा AMU का 2019 का जो पेपर आया था वो भी मैंने सॉल्व करा है, उसे भी आप देखिएगा। IGIPS का BSc इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर है वो भी मैंने सॉल्व करा है, उसे भी आप देखिएगा। IGIPS का BPED का जो पेपर है वो भी हेल्पफुल होगा आपके लिए, वो भी आप देखिएगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस का वेट करिए, एक पार्ट और आएगा और उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कॉमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।